चिरकुंडा थाना के तहत ईस्ट कुमार धोबी कोलियरी के 29 साल के राहुल कुमार ने कार को बढ़ाकर नदी में कुदा दिया, ऐसा लोगों का कहना है, जिसमें राहुल कुमार की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही चिरकुंडा पुलिस और इलाकाई लोगों ने राहुल कुमार की लाश को बाहर निकाला और जेसीबी की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया। आज आसनसोल तृणमूल पार्टी दफ्तर में वी शिवदासन दासु की कयादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बीजेपी के मैनिफेस्टो को निशाना बनाते हुए वी शिवदासन दासु ने कहा कि बीजेपी जानती है कि क्षमता में नहीं आएगी, इसलिए मैनिफेस्टो को लाया गया है। वहीं किसान नेता आकाश मुखर्जी ने कहा कि किसी बाहरी शख्स के हाथों बंगाल इलेक्शन के मैनिफेस्टो को शाये किया जाता है, इनके पास बंगाल का कोई चेहरा नहीं है। इस मौके पर अबू कोनान शादाब और बबीता दास खास तौर से मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को सामने रखे हुए हैं। बीजेपी का जो नेतृत्व अमित शाह से शुरू करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देखिए, जो लोकल जितना नेतृत्व है वेस्ट बंगाल स्टेट का, ऑल इंडिया लेवल का, लोग अच्छा से जानता है वेस्ट बंगाल में कमजोर में आने वाला नहीं है और ये मैनिफेस्टो का कोई काम भी नहीं होगा। ये एक तो इलेक्शन के लिए पेश किया था और उन लोग भी जानता है हमारा काम इलेक्शन में कमजोर में नहीं आएगा और एक तो फॉर्मेलिटी के लिए किया गया है। और एक बात इन्होंने भी इसमें आपको मेंशन किया था, जो आपको घुसपैठ के लिए जो खास करके वेस्ट बंगाल का ऊपर ही किया गया, तो ये बॉर्डर का सिक्योरिटी कौन देता है? जो बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है उसके सिक्योरिटी कौन देता है? उसका सिक्योरिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ जो BSF है तो घुसपैठ कहाँ से आ रहा? तो उसी का दायित्व है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। तो इसरो का जो मुद्दा है, जो जो बात यहाँ बोला गया है, ये सब बेकार कोई काम का नहीं है। ये छोड़ के जो नौकरी के बारे में जो लोग बात किया है, जो आपको मैनिफेस्टो में हम देख रहा हूँ, नौकरी के बारे में प्रत्येक घर में तरक्की दिया जाएगा, तो ये तो 2014 में हम लोग सुना था, जो भारतवर्ष में पहले बार जब कमांडर में बीजेपी आ रहा था उस समय बोला था प्रत्येक साल में साधारण जनता को, साधारण जो अधिकार को नौकरी दिया जाएगा, ये भी करने नहीं सकता। तो आज जो 2014 का देश जगह में 2021 हो गया, आज तक कोई काम नहीं किया है, न किसी को नौकरी मिला। तो टोटल जो बीजेपी आज के दिन पश्चिम बंगाल का क्षमता को पकड़ने के लिए, क्षमता में आने के लिए, उन लोग आज एक ममता जी से लड़ने के लिए आज पूरा भारतवर्ष का 164 नेता को पश्चिम बंगाल में जुटा रहा। आज आसनसोल साउथ के दोनों स्टार उम्मीदवार शायोनी घोष और अग्निमित्रा पॉल ने प्रचार में जोर लगाया। दोनों को अपनी जीत का पूरा यकीन है। याद हो कि शायोनी घोष TMC और अग्निमित्रा पॉल BJP की उम्मीदवार है। প্রায় দু সপ্তাহ হয়ে গেল টানা আপনি প্রচার চালিয়েছেন, কিরকম সাড়া পাচ্ছেন? খুব ভালো, খুব ভালো, এবং রোজ রোজ নতুন নতুন জায়গায় যাচ্ছে, অনেক কর্মীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সব যারা তৃণমূলের সঙ্গে আছে তাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এত এনার্জি ডেফিনেটলি সোর্সেস মমতা ব্যানার্জি, কিন্তু আমার জন্য এতটা ভালোবাসা এবং অ্যাকসেপ্টেন্স খুবই খুবই অভিভূত হওয়া। মানুষের কাছে কি কি বলছেন, কি প্রতিশ্রুতি? ধরুন না, কারণ ডেফিনেটলি একটা দেওয়ার জায়গায় রয়েছে, এবং প্রতিশ্রুতির একটাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী 10 বছরের যে অঙ্গীকারটা উনি এনেছেন সামনে, সেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবো, যে এই জিনিসগুলো নিয়ে মানুষের লোকালি সমস্যা হচ্ছে সেগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেবো যদি সুযোগ। আপনার প্রতিপক্ষ যে রয়েছেন, যে অগ্নিমিত্র পল, তিনি আপনাকে বহিরাগত বলছেন এবং বলছেন আপনি আসানসোল সম্পর্কে কিছু জানেনই না। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেন্দু অধিকারী বহিরাগত বলছেন? आइंदा 26 अप्रैल को आसनसोल साउथ असेंबली हलके से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शायोनी घोष को जोड़ा पुल में वोट देकर कामयाब बनाएं। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियत मौजूद है। आज ही बुक करें, हमारा पता है आजाद नगर स्माइल आसनसोल, कॉन्टेक्ट करें 9334098418768822128। चिकन 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 ब्रेस्ट चिकन कहाँ?
हैदर चिकन और कहाँ। हैदर चिकन हमीद नगर बनपुर, यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन हमीद नगर बनपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। आने वाले विधानसभा चुनाव में बाराबंकी के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को जोड़ापुल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। कल शाम आसनसोल कांग्रेस दफ्तर में शाहिद परवेज, पोयसंजीत पोयटंडी और जीतू सिंह की कयादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अपनी ही पार्टी के जिला सदर दिवेश चक्रवर्ती पर संगीन इल्जाम लगाते हुए बीजेपी का एजेंट कहा। शाहिद परवेज ने रियासती लीडर अधीर रंजन चौधरी पर तंज करते हुए कहा कि वो आंख से नहीं कान से देख रहे हैं। नहीं बोलिए, जो बोल रहे हैं सब चीज। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसका मेन मकसद सिर्फ बैठ देकर अपना जिम्मेदारी सब बड़ी होने वाला बात नहीं है। क्या आज हमने बैठ दिया, न्यूज चला, कल पेपर में छपा, उसके बाद हम शांति के साथ बैठेगा, ऐसा नहीं। एकदम हम लोग फैसला कर चुके हैं, मेरा अपना जाति फैसला है और मेरा फैसला कम से कम मेरे साथ जो लोग भी कांग्रेस कर रहे हैं उन लोगों का भी, उन लोग से मशवरा लेकर फैसला किया। ये दिवेश चक्रवर्ती जो है जिला सभापति, ये टोटल बीजेपी का एजेंट है, क्योंकि ये जब से ही बना है, इससे पहले भी बना था, उस वक्त भी इसका जो जिस किस्म का इसका थ्रो था और जातिवाद के हिसाब से जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड में ये बात कर रहा था, उस वक्त तो हम लोग भूल गए थे, क्योंकि पार्टी कर रहे हैं, पार्टी का कुछ ना कुछ दायित्व का मानना पड़ेगा। लेकिन इसका हटने के बाद हमने सोचने का पार्टी के अंदर में, पश्चिम बर्धमान के अंदर में एक सही जगह पर पार्टी आ रही है। लेकिन दोबारा बनने के बाद टोटली जातिवाद कर दिया। पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन सिर्फ बीजेपी, तृणमूल, कांग्रेस, CPM का वजूद का मामला नहीं है, ये बंगाल के लोगों का भी वजूद का मामला है, क्योंकि देश जानता है कि बंगाल के लोग जो आज सोचता है देश के लोग कल सोचते हैं। ये ऐतिहासिक बात है। तो हम बंगालियों का, हम आसनसोल वालों का, हम बर्धमान जिला के रहने वालों का, तमाम लोगों का ये इज्जत की मामला है। और आज का डेट में अगर हम अपने आप को सही फैसला नहीं ले पाया तो हम लोग 5 साल कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। जिस तरह का बीजेपी पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे देश में जिस किस्म का आतंक फैलाकर ये बहुत रौड़ी तरीके से कहती है कि अपनी बार मोदी सरकार हर बार हर जगह जब इलेक्शन आता है तो वे चैलेंज के साथ कहती है कि हम 200 बार 150 बार इस किस्म का ये कॉन्फिडेंस से कहती है कि ये कहीं ना कहीं खेल खेलने वाला है। और इस खेल से रोकने के लिए हम कांग्रेसी के जो फर्ज होता है कि हम लोग एक सेकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमेशा रहा है कि फिरका पस्ती के खिलाफ आवाज उठाना, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। इसलिए हम तमाम लोग, जितने लोगों से हमने भी मशवरा लिया है कि इस बार दिवेश चक्रवर्ती जिस तरीके से बीजेपी से तालमेल करके कांग्रेस को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और हमको लगता है कि अधीर चौधरी भी आंख से नहीं कान से देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी गलत मशवरा दे रहा है, लेकिन उनका भी जिम्मेदारी बनता था कि कम से कम हम पूरे फीडबैक निकाले। अगर जिम्मेदारी लिया है तो उसको सोचना चाहिए कि हाँ सुन में कौन है, कहाँ पर कौन है, यहाँ पर ISF का फैसला किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि दिवेश चक्रवर्ती टोटल फिरका परस्त है। यहाँ पर ISF को देने का मकसद है कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी को नुकसान पहुंचाना, और हम लोगों ने यह फैसला कर चुका है। और हम लोग रात में असल खेला जो स्टार्ट होने वाला है, दीदी का खेला शुरू हो गया, हम कांग्रेस का खेला जो स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द हम लोग फैसला शुरू कर देंगे कि हमको किसको समर्थन करना। हम नोटा में वोट नहीं देंगे और ISF भी वोट नहीं देंगे, हम लोग आपस में फैसला करेंगे कि हमको वोट किसको देना। और हम समझते हैं कि बंगाल को बचाने के लिए मेरे पर जिम्मेदारी है, और ऐसा वक्त अगर आएगा पार्टी का फैसला सही ढंग से नहीं होगा तो फिर आने वाला दिनों में जो पॉलिसी चल रहा है हर पार्टी हर लीडर अपने अपने तरीके से, हम तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट करेंगे। जय हिंद वंदे मातरम। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतजामी बोर्ड से सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी हटा दिया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद तमाम कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जिनका ताल्लुक पार्टी से था, कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह कर सनीचर के रोज इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया कि जिस किसी भी म्यूनिसिपलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सियासी लोग मुंतखब हैं इन्हें हटा दिया जाएगा। इसी सिलसिले में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज कमिश्नर नितिन सिंघानिया को एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे कबल अमरनाथ चटर्जी सियासी तौर पर मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर थे। আজ থেকে কমিশনার ছাড়া আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দায়িত্ব থাকলাম আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের, এবং যেভাবে আমাদের কাজ চলছে বিভিন্ন রেগুলার নেচারের কাজ এবং যেগুলো কাজ অলরেডি আমরা চলছে সেগুলো রিভিউ যেভাবে করা হয় সেভাবে টেক আপ করা হবে এক এক করে।
আমাদের বিভিন্ন সেল অলরেডি আছে বিভিন্ন দফতর নিয়ে, তো তাদের যে আধিকারিক আছেন তাদের সঙ্গে আমরা রিভিউ মিটিং আবার বসছি করতে, এবং তাদের মধ্যেই কাজগুলো যে আছে ডিভাইড করে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। অলরেডি বিভিন্ন সেল আমাদের আছে যারা অ্যাক্টিভলি কাজ করছেন, তাদেরকে নিয়ে আমরা ভালোভাবেই যা কাজ আমাদের চলছে সেটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। স্যার, যদি সেলগুলো ঠিকঠাক কাজ করে তাহলে বোর্ড মেম্বারদের কোনো দরকারই নেই তাহলে? যেভাবে ডাইরেকশন একটা সাপোর্ট থাকে এবং একটা সুপারভিশন থাকে, ওনাদের পরামর্শ থাকে, সেটা আমরা অলরেডি আমাদের যে বিভিন্ন দফতর আছে আধিকারিকরা আছেন তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। থ্যাংক ইউ। আমাদের সামার সিজনের জন্য যা ওয়াটার ক্রাইসিস সেটা হতে চলেছে অলরেডি আমরা টেক আপ করে নিয়েছি, এবং ফেব্রুয়ারি মাসে মার্চ মাসে আমরা অলরেডি মিটিংস করেছি, সিরিজ অফ মিটিংস করেছি, স্টেপস নিয়েছি এবং অনেকটাই যে আছে আমরা কার্টেল করতে পেরেছি, এবং আশা করি যে এই ক্রাইসিসটা যদি হয় এপ্রিল বা মে মাসে সেটা আমরা ভালোভাবে ট্যাকেল করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। দ্যাট ইজ যা রেগুলার ওয়ার্কস আছে কর্পোরেশনের সেটা কন্টিনিউ থাকবে। হাউস অফ ফ্যান্সি লেডিস ওয়্যার, মহিলাওঁ কা পছন্দিতা শোরুম, ইসরাইল এ হাউস অফ ফ্যান্সি লেডিস ওয়্যার, নই ডিজাইন কে কলেকশন, লেটেস্ট স্টাইলিশ ফ্যান্সি ড্রেসেস, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर, है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वियर, और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल, तो फिर इस बार ईद में छा जाए, इसराइल के कलेक्शन अपनाए, इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर, पश्चिम बाजार रोड आसनसोल, कॉल 7। संयुक्त मोर्चा के हिमायती ISF के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी को खाम छाप में वोट देकर कामयाब बनाए।